नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करेंगे नी पेन सीरीज के एपिसोड नंबर 20 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कार्टिलेज। अगर आपका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो चुका है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइट से हम अपने कार्टिलेज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने बात किया था कि कार्टिलेज क्या होता है, कैसे इसकी घसावट होती है, कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे, और प्लस कैसे कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट की। और उस वीडियो को आपने बहुत प्यार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम बात करने वाले हैं डाइट से हम अपने कार्टिलेज को कैसे ठीक करें। क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं अपने नी पेन की, तो वहां पे एक चीज हमेशा आती है कि कार्टिलेज जो है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ना ही नर्व सप्लाई होती है, तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूड होता है वहां से मिलता है। तो डाइट में हम ऐसी कौन सी चीज ले सकते हैं जिससे वो चीजें बढ़े, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि घुटने की जरूरत क्या है, इसकी डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड के अंदर सबसे पहले एक चीज है कि घुटना जो बना है वो हड्डियों से बना है, कार्टिलेज से बना है, मांसपेशियों से बना है। अगर हम बात करें हड्डी, तो हड्डी को हमें कैल्शियम चाहिए। अगर हम बात करें उसके कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज जो है अपना, जो हमारा कार्टिलेज है, जो ग्रीस जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, वो बना होता है प्रोटीन से, तो प्रोटीन की जरूरत चाहिए। प्लस इसके साथ हमें चाहिए फाइबर, प्रोटीन प्लस फाइबर चाहिए हमें, ताकि उस कार्टिलेज को दोबारा से रीजनरेशन किया जाए। उसके बाद चौथे नंबर पे जाइए हमें हाइलुरोनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार अपने टीवी एड्स के अंदर सुना होगा कि हाइलुरोनिक एसिड है आपकी स्किन को काफी जवान रखता है। बेसिकली ये ग्लुब्रिकेशन है, स्किन के अंदर भी पाया जाता है, मसल्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर भी पाया जाता है, और इवन आपके कार्टिलेजेस, जो घुटने के कार्टिलेजेस, बाकी कार्टिलेजेस, उनके भी पाया जाता है अंदर। और ये आपको प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन यानी कि वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप घुटने को इजिली मोड़ सके। ये तो हो गया डिमांड कि उसकी डिमांड क्या है, ये चीजें हमें चाहिए उसकी रीजनरेशन के लिए। अब बात है कि प्रॉब्लम क्या है घुटने को। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सूजन है इसके अंदर, प्लस पेन भी है इसके अंदर। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, वेट वेट वजन बहुत ज्यादा है, घुटनों पे वजन डलता है तो पेन ज्यादा होता है। तीन नंबर पे है स्ट्रेस, या फिर उसको मैं लिख सकता हूं प्लस एसिडिटी। इसका सीधा संबंध होता है टॉक्सिसिटी से, जब बॉडी में टॉक्सिन पदार्थ बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है। इट मींस कि आपका जो ब्लड है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी खुद को ही डिजनरेशन की तरफ ले जाती है, खुद ही कैल्शियम को खत्म करती जाती है, प्रोटीन को खत्म करती जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर हम कैसे कौन कौन सी डाइट लें जिससे ये चीजें ठीक हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम डाइट के अंदर बात कर लेते हैं कुछ तो चीजों की जो हमने लेना है। वो है, सबसे पहला है सिट्रिक एसिड, या फिर इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नैरिंजनाइन, इसी का प्रोडक्ट होता है। आप सीधा याद रखिएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का एक सीधा सा सिंपल सा मतलब क्या है कि सिट्रिक एसिड वो चीज जिसके अंदर खट्टा पदार्थ होता है। खट्टे पदार्थ वाली कौन सी चीज है, लेमन, नींबू सिट्रिक एसिड है, ऑरेंजेस सिट्रिक एसिड है, आंवला सिट्रिक एसिड है। अब ये तीनों चारों चीजें हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे काम करेंगी, ये काम करेंगी एज अ एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी हाइलुरोनिक एसिड का जो डैमेज होता है,
बेसिकली क्या है, ये तीनों चीजें क्या कहना चाहती हैं, एक तो आपकी सूजन को कम करेंगी, एक आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स पदार्थ को निकालेंगी, जैसे हम नींबू पानी पीते हैं आपको पता ही है बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, तीसरा आपकी जो हाइलुरोनिक एसिड को जो चीजें डैमेज करती है उसको ये रोकेंगी। तो ये तीनों चीजें आपको आपके डाइट के अंदर चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ साथ एक चीज और करती हैं, वो करती हैं कि ये सिंथेसिस बढ़ा देती हैं आपके प्रोटीन प्लस फाइबर का और कैल्शियम का। इसका मतलब क्या है कि ये आपके कार्टिलेज के अंदर जब रीजनरेशन के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके सिंथेसिस को बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से कार्टिलेज जल्दी रीजनरेट होता है, प्लस बॉडी में इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम रहता है, तो रिमेटोइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है। तो काफी अच्छा है आपका सिट्रिक एसिड। तो एक तो हो गया ये सिट्रिक एसिड जो हम इसके अंदर ले सकते हैं। नंबर दो पे हमें चाहिए प्रोटीन प्लस फाइबर। अब जो कैल्शियम का बाय प्रोडक्ट है, कैल्शियम हम वैसे भी मिल जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मैं बताऊंगा इन सब के अंदर भी कैल्शियम मिलेगा, तो मैं कैल्शियम को डिस्कस नहीं करने वाला, मैं बात करूंगा प्रोटीन प्लस फाइबर। सबसे पहली चीज है पल्सेस, दालें, दालें खाइए, प्रोटीन भी मिलेगा फाइबर भी मिलेगा, राजमा खा लीजिए, सोयाबीन की दाल खा लीजिए, मूंगी मोठ, सारी दालें आपको काफी अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करके देगी। नंबर दो पे हमने लेना है इसके अंदर राइस। राइस के अंदर हम कौन सा लेंगे, ब्राउन राइस। अब ये ब्राउन राइस के अंदर भी सेम कंटेंट होते हैं जो इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं, फाइबर भी है प्रोटीन भी है, और इसके अंदर एक बाय प्रोडक्ट होता है जो आपके हाइलुरोनिक एसिड के डैमेज को रोकता है, तो बहुत अच्छा है आपका ब्राउन राइस आपके खाने के अंदर। नंबर तीन पे अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसके अंदर आ जाती है ब्रोकली, केल। केल एक सलाद पत्ता होता है, आप नॉर्मल अगर शॉप्स पे जाओगे एक सलाद पत्ता मिलेगा, ये भी आपको काफी अच्छा प्रोटीन दे सकता है। इसके अलावा आप टोफू ले सकते हो, बहुत अच्छा है टोफू। उसके बाद आप मखाना ले सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हो, नट्स के अंदर आप आलमंड्स ले लो और अखरोट हो गए हमारे वॉलनट्स। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में एक तो प्रोटीन को भी पूरा रखती हैं, ये सिर्फ प्रोटीन को पूरा नहीं रखती, इसके अंदर एक चीज और होती है, वो होती है एमजी प्लस यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज है जिस प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम मिलेगा वो प्रोडक्ट आपके इन चीजों के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी कि आपके प्रोटीन और फाइबर ज्यादा बनेगा, कार्टिलेज ज्यादा बनेगा, प्लस ये आपके हाइलुरोनिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो आपका कार्टिलेज बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से डिवेल्प हो जाता है। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रोटीन प्लस फाइबर के अंदर ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड की। अब हाइलुरोनिक एसिड है वो कुछ और प्रोडक्ट हैं जो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी। अब सूजन को भी हमने कम करना है तो इसके लिए हम जो एंटी इंफ्लामेटरी के प्रोडक्ट्स लेंगे उसके अंदर हमें हाइलुरोनिक एसिड भी मिल जाता है, कहीं ना कहीं इसके सिंथेसाइजर भी हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहला हमारा आता है फ्रूट्स के अंदर, हम बात करते हैं अनार आ गया हमारा, चेरी, जेरी, ग्रेप्स, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो आपको मैग्नीशियम मिलता है, फ्लेवोनोइड मिलता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी की भी काम करता है, और साथ में ये आपके हाइलुरोनिक एसिड को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। तो ये फ्रूट्स आप अपने डाइट के अंदर जरूर ऐड करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले। इसके अलावा आपके जो घरों में कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे हो गया जिंजर, अदरक, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको बहुत स्वस्थ रखेगा, इसको सुखाकर सौंठ बन जाती है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपने वैसे भी पता होगा कि दर्दों के अंदर हम घरेलू उपाय के रूप में सौंठ लेते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। टर्मरिक, हल्दी,
बहुत अच्छी है, हल्दी वाला दूध पी लो, साथ में कैल्शियम भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, प्लस आपकी बॉडी में ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया, ये एंटी इंफ्लामेटरी तो है ही, तो ये तो एक वरदान है इंडियन कल्चर के हिसाब से। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा लहसुन, ठीक है ना। लहसुन भी एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, प्लस ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के अंदर हेल्प करता है गार्लिक, जिसे हम लहसुन बोलते हैं। इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन को कम करना है तो इसके अंदर हमारी आती है दालचीनी, ठीक है जी, दालचीनी ये भी एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करती है, प्लस एंटीबायोटिक होती है। तो ये कुछ है जो प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं। अगर बात करें हम वेजिटेबल्स के अंदर कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम लें जिससे हमें खाने के अंदर कौन कौन सी चीजें लें जिससे हमारी इन्फ्लामेशन कम हो, सबसे पहला आता है हमारा टोमेटो, टमाटर। नंबर दो पे हमारा आता है मशरूम, आप मशरूम ले सकते हैं। नंबर थ्री पे आता है ग्रीन चिली। ये तीनों प्रोडक्ट आप खाने के अंदर, सब्जी के अंदर ले सकते हैं, सलाद के अंदर खा सकते हैं, टमाटर को तो आप सलाद के अंदर भी खा सकते हैं, मशरूम की सब्जी बना के खा सकते हैं। इनके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड को। मैं बार बार इस पर इंडिकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी बॉडी के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हो जाएगी, प्लस आपकी लिगामेंट की फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हुई तो उस चीज को तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हाइलुरोनिक एसिड आपका खत्म हो गया तो ये कैल्शियम प्रोटीन फाइबर का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी सब्जियों के अंदर ले सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे एंटीऑक्सीडेंट की, कि एंटीऑक्सीडेंट के अंदर हम कौन कौन सी चीजें लें जिससे हमारा बॉडी ठीक रहे। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर सबसे पहला आता है हमारा तिल, सफेद तिल, ठीक है। ये बहुत अच्छे हैं, थोड़े गर्म होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको खाओगे तो आपके ये हाइलुरोनिक एसिड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। दूसरा होता है हमारा कोकोनट वाटर, ये आपके पेट को भी फुलफिल रखता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, प्लस कोकोनट ऑयल जो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट होता है वो आपके लुब्रिकेशन को भी मेंटेन करके रखता है, तो कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है हमारा डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा फ्लेवोनॉइड, एक होता है हमारा इसके अंदर कुकाया। ये दोनों चीजें आपकी बॉडी के अंदर एक तो स्ट्रेस लेवल को कम रखती हैं, बॉडी को एसिडिक से बेस की तरफ लेकर जाती हैं, प्लस आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। तो ओवरऑल में बात करूं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो कार्टिलेज रीजनरेशन है इसके अंदर आपको हेल्प मिलती है। तो ये हो गया कुछ प्रोडक्ट्स जो हम खा सकते हैं वेजिटेरियन के अंदर। अगर बात करूं मैं नॉन वेज के अंदर, तो नॉन वेज के अंदर हमारे पास सिर्फ दो से तीन प्रोडक्ट बचते हैं। एक बनता हमारा फिश, फिश के अंदर हमारा आता है टूना फिश, दूसरा हमारा आता है एग्स, एग्स के अंदर हम लेंगे एग वाइट, बीच वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो हमें प्रोटीन भी मिल गया, प्लस हमें इसके अंदर ओमेगा थ्री मिल जाता है जो लुब्रिकेशन के अंदर अगेन बहुत हेल्प करता है, और ओमेगा थ्री तो बहुत अच्छा है। अगर आप वेजिटेरियन के अंदर ओमेगा थ्री लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ले सकते हो फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स। सर्दी के अंदर आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, गर्मी के अंदर आप चिया सीड्स ले सकते हो, अगर आपको ओमेगा थ्री चाहिए। और ओमेगा थ्री भी एक लुब्रिकेशन का एक अल्टरनेट सोर्स है, लुब्रिकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसी वजह से घुटनों के दर्द के अंदर आपको फिश ऑयल के कैप्सूल दिए जाते हैं। हम जो वेजिटेरियन है फिश ऑयल नहीं खाना चाहते वो इन दोनों चीजों को ले सकते हैं। तो ये था कि हम क्या खा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हम डाइट के अंदर व्हाट नॉट टू ईट, क्या हमने नहीं खाना है, ठीक है जी, नॉट टू ईट।
सबसे पहला पैट फूड नहीं खाने हमने, ठीक है, पैट फूड जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले हों। अब जो फूड आपको देते हैं लगभग दो दो महीने की, तीन तीन महीने की पैकिंग, वो चीजें आपने कम यूज करनी है। कारण बताता हूं इसका क्या है। जब भी हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, या खाने के अंदर कोई भी है, वेज या नॉन वेज है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 4 से 5 दिन, या मैं बोलूं 3 से 5 दिन। अगर वो 3 से 5 दिन में खराब हो रही है, इट मीन्स वो नेचुरल है। लेकिन अगर ये खराब नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि ये हाइब्रिड है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। प्लस अगर वो आपको देती है कि 2 महीने का तक आप यूज कर लो, तो इट मीन्स उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। अगर आप ये चीज यूज करते हो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी बॉडी से कैल्शियम भी चला जाता है और प्रोटीन भी चला जाता है। तो बचना है हमने पैट फूड से। नंबर 2 पे हमने जो ऑयल्स हैं, अब ऑयल्स के अंदर आप अपने जो आसपास ऑयल्स हैं वो यूज करो। अगर आप मान के चलो किसी राजस्थान के किसी एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे हमें सरसों आसानी से मिल जाती है, तो हम सरसों का ऑयल यूज कर सकते हैं इजीली, जो हमारे पास अवेलेबल है। आप थोड़ा सा बीकानेर की तरफ चले जाओगे, वहां पर आपको ग्राउंड नट्स यानी कि जो मूंगफली होती है, वहां का मूंगफली का तेल मिल जाता है आपको, वो लोग वो यूज कर सकते हैं। साउथ के अंदर आप जाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि नारियल का तेल है, जो कोकोनट ऑयल है उसको यूज करते हैं। तो अपने आसपास जो अच्छा ऑयल हो वो यूज करें। पैक्ड जो ऑयल होते हैं, पैक्ड ऑयल के अंदर आप बहुत सारे ऑयल्स हैं जो आपको अलग अलग देते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। कृपया करके उससे थोड़ा बचें, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज्यादा मिले होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर रिफाइंड। अगर घी की बात करूं, तो बाजार के घी से प्रेफर करें, कि अगर आपको किसी का घर का घी मिल जाए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको हेल्दी रखेगा। नंबर 2 पे घर में जो औरतें खाना बनाती हैं, ऑयल है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार तक यूज करें। इसके बाद आपने इसको यूज नहीं करना है, उसके बाद ये जहर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ एक जहर की तरह काम करेगा, और इसको ज्यादा देर तक प्रिजर्व आपने नहीं रखना है। ये हो गया ऑयल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं करनी है अपने डाइट के अंदर, कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं खानी है। इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस के मतलब इसके अंदर आप योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत सारी हमारी आती है फंक्शनल ट्रेनिंग, वो कर सकते हैं। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। प्लस आप अपने डेली रूटीन के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइजेस करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, जो आप करना चाहते हैं उसको करें, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर के लिए। सो ये था हमारा डाइट का टॉपिक, कि डाइट से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से डाइट हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज के रीजनरेशन के अंदर हेल्प करती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरी सीरीज डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के ऊपर आप उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है, तो अपनी दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।